गोविंदा की वो 8 बड़ी फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और थे। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ सुपरस्टार गोविंदा के साथ भी हुआ था। एक समय पर छोटे मोटे रोल की तलाश करने वाले गोविंदा को जब फिल्में मिलने लगी तो जैसे ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बॉलीवुड में ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि जब कोई फिल्म स्टार एक समय पर 30 से अधिक फिल्में कर रहा हो, पर गोविंदा के साथ ऐसा ही हुआ था। छोटे मोटे रोल की तलाश करने वाले गोविंदा को जब एक ही समय पर इतनी सारी फिल्में मिलने लगी तो उन्होंने घमंड में फूलने के बजाय उन फिल्मों को सम्मान दिया और चाहे कहानी जैसी भी हो सबको साइन करते चले गए। ये वो दौर था जब गोविंदा एक तरफा राज कर रहे थे और इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए निर्माता रात रात भर इनके घर के आगे इंतजार करते थे। मजे की बात तो ये है कि उस दौर में आने वाली अपनी अधिकतर फिल्मों में गोविंदा पहली और आखिरी पसंद थे, लेकिन उनकी कुछ एक ऐसी फिल्में भी रहीं जिनके निर्माता इनके स्टारडम को देखते हुए उन फिल्मों को किसी और हीरो से छीन कर गोविंदा को सौंपा गया था। आज के इस रोमांचक एपिसोड में हम गोविंदा की 12 ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1986 में आई फिल्म लव 86 से। यूं तो इस फिल्म के मुख्य नायक थे रोहन कपूर, लेकिन रिलीज के बाद सारा लाइमलाइट गोविंदा ले उड़े थे, जिन्होंने फिल्म में विक्की नाम का किरदार निभाया था, जिसे हम साइड हीरो भी मान सकते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्राण लाल मेहता गोविंदा वाली भूमिका के लिए शुरू में करण शाह को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फीस के तौर पर कुछ ज्यादा ही पैसे मांग लिए। ऐसे में प्राण लाल मेहता ने उनकी जगह पर कामरान रिजवी को साइन करने का विचार बनाया, पर समस्या ये थी कि कामरान को अच्छी डांसिंग नहीं आती थी। इस तरह से मेहता साहब की तलाश गोविंदा पर आकर रुकी, जो कि कमाल के अभिनेता तो थे ही, उससे बढ़कर एक कमाल के डांसर भी थे। इसी साल आई फिल्म इल्जाम को लेकर ये कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता पहलाज नेहलानी शुरू में इसमें गोविंदा वाली भूमिका मिथुन चक्रवर्ती को सौंपना चाहते थे। उस समय मिथुन चक्रवर्ती पहलाज नेहलानी की एक अन्य फिल्म आंधी तूफान की शूटिंग कर रहे थे। खैर, जब फिल्म के सेट पर नेहलानी जी ने मिथुन को फिल्म ऑफर की तो उन्होंने डेट्स की कमी बताकर इसे मना कर दिया, पर सच्चाई ये थी कि फिल्म आंधी तूफान और इल्जाम की वैसे देखा जाए तो स्टोरी लाइन एक ही जैसी थी और वो एक प्रकार की कहानी वाली दो फिल्में करने से बचना चाहते थे। इसी दौरान पहलाज नेहलानी ने गोविंदा का एक डांस वीडियो देखा और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म इल्जाम के लिए साइन कर लिया। अब बात करें साल 1987 में आई फिल्म खुदगर्ज की, तो ये गोविंदा की उन फिल्मों में शुमार की जाती है जहां इनका बेहतरीन डांस देखने को मिलता है। फिल्म के गीत आपके आने से पहले, आज भी लोग इस गाने पर गाहे बगाहे नाचते हुए नजर आते हैं और डांसिंग अंकल जैसे कुछ लोग काफी फेमस हो जाते हैं। फिल्म खुदगर्ज को लेकर चंकी पांडे कहते हैं कि इसमें गोविंदा वाली भूमिका पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन अत्यधिक व्यस्त होने के कारण वो इसे नहीं कर पाए। इसके अगले साल 1988 में आई फिल्म घर घर की कहानी में गोविंदा ने फिल्म लव 86 की तरह ही एक बार फिर से करण शाह को रिप्लेस किया था। इसी साल आई फिल्म हलाल की कमाई को लेकर अभिनेता सुमित सहगल बताते हैं कि इस फिल्म के नायक के तौर पर सबसे पहले उन्हें चुना गया था, लेकिन इसके मुहूर्त के ठीक एक दिन पहले उनके पास फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आया जिसमें कहा गया कि आपकी जगह इस पर किसी अन्य को चुन लिया गया है। बाद में जाकर सुमित सहगल को यह पता चला कि उनकी भूमिका गोविंदा को दी जा रही है, जो कि उन दिनों हर निर्माता की पहली पसंद बनते जा रहे थे। यहां से अगले कुछ सालों तक गोविंदा बॉलीवुड में एक तरफा राज करते रहे। इस दौरान उन्होंने सन 1994 में आई
आग, 1995 में आई गैम्बलर और 1996 में आई अपने दम पर नामक तीन फिल्मों में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया। इन तीनों ही फिल्मों के लिए अक्षय को फिल्म सौगंध की शूटिंग के दौरान ही साइन किया गया था, लेकिन जैसे ही सौगंध बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, वैसे ही अक्षय की कई फिल्में उनके हाथ से निकल गईं और उस दौर के गोविंदा जैसे सफल एक्टर की झोली में जा गिरी। अब बात करें साल 1997 में आई फिल्म दीवाना मस्ताना की, तो इसे शुरू में बॉडीगार्ड के नाम से अनिल कपूर, सनी देओल और जेबा बख्तियार को लेकर लॉन्च किया गया था, लेकिन उन्हीं दिनों वीजा संबंधी समस्या के चलते जेबा को पाकिस्तान लौट जाना पड़ा। ऐसे में फिल्म में कुछ बदलाव करके इसे कॉमेडी में ढाल दिया गया, जो कि सनी देओल को पसंद नहीं आई और वो भी इस फिल्म से हट गए। ऐसे में सनी वाली भूमिका के लिए शाहरुख खान से संपर्क किया गया, लेकिन वो भी डेट्स की कमी बताकर फिल्म को मना कर दिया। ऐसे में फिल्म के निर्देशक डेविड धवन ने अपने फेवरेट एक्टर गोविंदा से संपर्क किया और वो फिल्म के लिए मान गए। साल 2000 में आई गोविंदा की एक अन्य लोकप्रिय फिल्म जिस देश में गंगा रहता है की बात करें, तो इसके लिए पहले सुनील शेट्टी को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर इसे मना कर दिया, जिसके बाद अरशद वारसी के नाम पर भी विचार हुआ, लेकिन यहां भी बात नहीं बन पाई। अरशद के बाद शरद कपूर को लेने की बात सोची गई, लेकिन वो इस रोल के लिए फिट नहीं हो रहे थे। ऐसे में फिल्म की अंतिम चॉइस बने गोविंदा। बात करें साल 2006 में आई फिल्म भागम भाग की, तो शुरू में अक्षय के साथ इस फिल्म में सुनील शेट्टी की जोड़ी बनने वाली थी, यहां तक कि सुनील फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले थे, लेकिन गोविंदा ने उनसे आग्रह किया कि मेरा करियर इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, मुझे एक अच्छी हिट की जरूरत है, अगर आप मुझे फिल्म दे दें तो बहुत अच्छा होगा। सुनील शेट्टी, जो कि हमेशा से ही अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे, उन्होंने खुशी खुशी ये फिल्म गोविंदा को सौंप दी। वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे साल 2009 में आई फिल्म पार्टनर की। इस फिल्म में गोविंदा के द्वारा निभाई गई एडवोकेट जीत ओबेरॉय की भूमिका पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुई थी। वैसे गोविंदा की सबसे बेस्ट फिल्म आपको कौन सी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।